कानपुर में 3 जून 2022 को जुम्मे की नमाज के बाद दो समुदायों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान पत्थरबाजी की भी कई घटनाएं सामने आई। इन घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया पे कई फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो और फोटो में कई ऐसे हैं जो पुरानी घटनाओं के हैं, लेकिन इन वीडियो को कानपुर का बताकर शेयर किया जा रहा है। इस तरह की भ्रामक सूचनाएं चलाने में सिर्फ सोशल मीडिया यूजर्स ही नहीं शामिल हैं, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े चैनल भी पुराने वीडियो को कानपुर का बताकर न्यूज चला रहे हैं। एबीपी न्यूज द्वारा ऑफिशियल फेसबुक लाइव में एक वीडियो चलाया गया है। इसमें देखा जा सकता है कि एबीपी न्यूज के फेसबुक पेज से पुराने वीडियो को कानपुर के नाम से खबर प्रसारित किया गया है। वहीं इस तरह की मिसलीडिंग वीडियो को शेयर करने वालों में बीजेपी की नेता भी शामिल हैं, जो वेरीफाइड यूजर हैं। एबीपी न्यूज के ऑफिशियल फेसबुक से 4 जून 2022 को लाइव चलाया गया है। इस लाइव का शीर्षक था, कानपुर हिंसा के पीछे किसकी साजिश, देखें बड़ी खबर लाइव। इस वीडियो में कानपुर दंगों को लेकर एक वीडियो को चलाया जा रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पुलिस वाले कुछ लोगों की पिटाई कर रहे हैं। वहीं इस वीडियो को कई सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा भी कानपुर दंगे का बताकर शेयर किया जा रहा है। ट्विटर पर लक्ष्मीकांत भारद्वाज का वेरीफाइड हैंडल है। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, कानपुर में शांति दूत दंगा कर रहे थे, पूरी रात योगी जी ने इलाज जारी रखा। अशोक गहलोत जी, अगर आप करौली में ये कर लेते तो जोधपुर में दंगा करने की इनकी हिम्मत नहीं होती। लक्ष्मीकांत भारद्वाज के बायो के मुताबिक वह राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं। इसके अलावा वो बीजेपी के कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके हैं। वहीं फेसबुक पे एक यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा, कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद बमबाजी करने वाले अति उत्साहित लौंडों की आहा करने की आवाज कल देर रात तक आती रही। इन सभी दावों के पीछे का फैक्ट चेक करके हमने पाया कि एबीपी न्यूज और बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज सहित सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा शेयर किए हुए वीडियो के कुछ की फ्रेम्स का स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें रिवर्स सर्च किया। रिवर्स सर्च करने पर हमें ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो का लिंक मिला। इस वीडियो को शिवांशु भारद्वाज नाम के एक यूजर ने 3 अप्रैल 2020 को ट्विटर पर पोस्ट किया गया था। उन्होंने कैप्शन लिखा था, इंदौर का वही मोहल्ला है जहां डॉक्टरों को पत्थर मारे गए थे, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, कमजोर दिल वाले आवाज बंद करके वीडियो देखें। तो इस फैक्ट चेक से साबित होता है कि एबीपी न्यूज और बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज द्वारा शेयर की गई इस वीडियो का फैक्ट चेक करने के बाद ये साबित होता है कि वायरल वीडियो 2020 में हुई इंदौर की एक घटना का है। इस वीडियो का कानपुर के दंगों से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए एबीपी न्यूज और बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज और अन्य सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा किया जा रहा यह दावा मिसलीडिंग है। इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। ऐसे और फैक्ट चेक्स के लिए देखते रहिए डीफ्रा।